नागपुर महानगर पालिका की ओर से शहर की दीवारों पर अच्छी पेंटिंग उकेरने का अच्छा काम चल रहा है। इस बारे में शहर के नागरिकों ने इस स्वच्छता अभियान पेंटिंग का स्वागत किया है। आइए डालते हैं एक नजर। नागपुर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर बनाने की कवायद दिखाई दे रही है। आए दिन शहर के कई दीवारों पर स्वच्छता अभियान पेंटिंग के जरिए उकेरते हुए दिखाई देंगे। पसंदीदा रंग का चुनाव करते हुए हाथ में कलर का ब्रश दीवारों पर उकेरता हुआ दिख रहा यह है धनंजय त्रिपुड़े, जो अलग अलग रंगों के साथ एक से बढ़कर एक सामाजिक दृश्यों को पेंटिंग ब्रश से उकेरता हुआ दिखाई दे रहा है। सफाई में भलाई है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, हम सब ने यह ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार, माँ मुझे बचाओ, जैसे कई टॉपिक को लेकर 2 किलोमीटर तक की दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। इस बारे में शहर की महिलाओं ने इस उपक्रम को देखते हुए अपने विचार स्पष्ट किए। शहर के अधिकतर जो सड़कें हैं वो कोई खर्रा या मावा खा के लोग थूकते हुए नजर आते हैं, मगर ऐसे में नागपुर मनपा प्रशासन की ओर से एक अच्छा काम किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए आज ये जो मिलिट्री की जो एक कंपाउंड जो दीवार जो बनी है इसको अच्छा सुशोभित किया जा रहा है। आइए कुछ लोग हमारे साथ शहर के जुड़े हुए, मैम क्या कहना चाहूँगी जिस प्रकार से आज यहाँ पे बढ़िया ये जो पिक्चर्स लगाई जा रही है, ये बहुत अच्छा योगदान है और सिटी में ये चल रहा है तो अभियान बहुत ही अच्छा है। और हम जब रुकते हैं यहाँ पे जब ये सिग्नल के वहाँ पे तो एटलीस्ट लोग देखते हैं तो वो एक क्लिक होता है कि भाई कुछ मैसेज जा रहा है इसके थ्रू। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगी मैम? ये सबके लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है नीटनेस और स्वच्छता मेंटेन करने के लिए। आप क्या कहना चाहोगे बेटे, जिस प्रकार से अंकल वो वहाँ पे पोस्टर निकाल रहे, क्या नाम है आपका? रोहिता। क्या कहना चाहोगी, कैसा लग रहा है आज ये देखते हुए? ये देखिए इधर में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, छोटे बच्चे भी बड़े हैं। आप क्या कहना चाहोगी? ये बहुत अच्छी बात है, मींस इससे हम बच्चे को भी कुछ सीख मिलती है कि वी शुड मेंटेन स्वच्छता अभियान। बिल्कुल, तो स्वच्छता अभियान तो होना चाहिए, और नहीं तो स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की बातें हमेशा होती है, लेकिन नागपुर स्वच्छ तभी होगा जब शहर के नागरिक स्वच्छता अच्छी तरीके से वो रखे, हर बात की वो स्वच्छता रखे, जिसके चलते नागपुर शहर स्वच्छ होगा। यदि नागपुर शहर स्वच्छ है तो पूरा देश स्वच्छ है, ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। और भी जो पेंटर्स लोग आई उनके पास चलते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। पेंटिंग करने वालों की नजरों से जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने कई बातों पर रोशनी डाली। उन्होंने पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की भी अपील लोगों से की है। आज दिन नागपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए मनपा प्रशासन की ओर से कई पहलुओं पे काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज एक ऐसा काम किया जा रहा है जो शहर की जो सड़क से सटी हुई जो दीवारें जो होती है, जो गंदी पड़ी हुई है, जो लोग पान खा के खर्रा खा के थूक के जिन्होंने खराब किया है, ऐसी जो दीवारें हैं उन्हीं में से एक दीवार थी मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया की। जी हाँ, जी हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के 0 माइल के समीप है ये मिलिट्री का पूरा कंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे वो दीवार है, वो दीवार पे हम देख सकते हैं कि कुछ पेंटर्स लोग वहाँ पे कामकाज कर रहे हैं स्वच्छता की, और इन्हें एक टास्क दिया गया है और इस टास्क को पूरा करने के लिए कुछ विषय भी दिया गया है कि जैसे गाड़ी वाला आया, भैया घर से कचरा निकाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुरक्षा अभियान। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पेंटर भाई साहब मौजूद है, उनसे जाना चाहेंगे। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? धनंजय त्रिपुड़े। धनंजय साहब ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो और किसने बताया आपको ये काम? सर मुझे कॉरपोरेशन की ओर से यहाँ पे काम दिया है और वो नागपुर स्वच्छ अभियान के लिए बहुत ही सुंदर काम मुझे दिया है, और ये काम करते हुए मुझे अति आनंद होता है, और मैं मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है जो मैं लोगों को अपने कला के माध्यम से लोगों को समझाना चाहता हूँ, अपने कला के माध्यम से अपने रंगों के बिखर के ऐसा कला के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कंटोनमेंट एरिया की जो दीवारें थी इतनी गंदी और इतनी बेकार थी, मुझे देख के बड़ा दुख महसूस हुआ है।
लेकिन मैंने उसको ऐसा, मेरे साथियों ने और मेरे जो कर्मचारी लोग गण हैं उन्होंने जो यहाँ पे साफ सफाई करके इतना सुंदर सुशोभित की करने का जो कार्य हमने किया है, और हमारा जो अभियान है बेटी बचाओ से लेकर ये स्वच्छ अभियान, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन ये कॉरपोरेशन की ओर से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं सभी नागपुर के सभी वासियों से निवेदन करूंगा धनंजय की ओर से कि आप सुरक्षित और स्वच्छ रखिए अपने एरिया को, और हो सके तो ये यहाँ पे जो बीमारियों का धन है ये भी अपने शहर से ख़त्म हो जाए, ये मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल धनंजय, जैसे एक बहादुर इंसान मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो बात की स्वच्छता अभियान की वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। यदि हम देखते हैं कि अक्सर शहर को गंदा कैसे किया जाए इस पर लोगों का ध्यान रहता है, लेकिन स्वच्छता कैसे रखी जाए इसके लिए कुछ ऐसे भी लोग भी हैं, एनजीओ संस्थाएं जो काम कर रही है, लेकिन उनकी संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद कामकाज हो रहा है। इसी श्रृंखला में ये भी काम इन्होंने किया है। अब सवाल ये बनता है कि यदि किसी के कभी बनना है अपने को, तो पीपल का जो पेड़ होता है उसका पत्ता मत बनिएगा, क्योंकि वो तो सूख के कभी भी गिर सकता है। अगर बनना है तो मेहंदी का वो पन्ना, वो पत्ता बनो कि जिसके चलते मेहंदी जो है खुद पीसती है और अपने जीवन में यानी सबके जीवन में रंग लाती है, और सबके जीवन में रंग तभी आएगा जब हम स्वच्छ और सुंदर नागपुर को रखेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मुरे, NBC News नागपुर।